हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते सभी को। मेरा नाम सौरव अस्थी है। मैं काफ़ी समय से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। इस समय में मेरे सामने जो दिक्कतें आईं, जो परेशानियाँ आईं, उनको मैंने एक कविता में लिखा है जिसका शीर्षक है संघर्ष। यह कविता उस बच्चे की कहानी है जो कि एक मिडिल क्लास में जन्म लेता है और आईएएस बनने का सपना देखता है। वो अपना घर बार छोड़कर शहर में आया है तैयारी करने। उसका मन बहुत ही विचलित है, बहुत ही परेशान है कि वो आईएएस बन पाएगा या नहीं, वह कुछ कर पाएगा या नहीं। तो उसका मन जो उसे समझा रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके लिए मैंने ये कविता लिखी है। यह कविता मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हो आए यहाँ तुम इस रण में, सूरज सा तेज चमकने को, मन के भावों को तपाना होगा इस युद्ध में अर्जुन बनने को। जो दिया वचन है पिता को तुमने कि बन आईएएस घर अब आऊंगा, जो दिया वचन है पिता को तुमने कि बन आईएएस घर अब आऊंगा, तो कर लो प्रण यह अपने मन से कि मेहनत को पथवार बनाकर सिंधु पार कर जाऊंगा। तो उसका मन उसे कह रहा है कि तुम्हारे सामने बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य पे अड़िग रहना है। तो उसका मन उससे कहता है कि आंखों में गदकती ज्वाला लो, मन में साहस हिमालय सा और करण सा तुम संघर्ष करो। हर रात अमावस की होगी, हर कदम पे दिक्कत आएगी, तुम अंगस सारे पैर धरो। हर रात अमावस की होगी, हर कदम पे दिक्कत आएगी, तुम अंगस सारे पैर धरो। माँ के देखे हर सपने को हर हाल में पूरा कर जाना है, माँ के देखे हर सपने को हर हाल में पूरा कर जाना है, बन आईएएस अब घर जाना है, बन आईएएस घर अब जाना है। तो उसका मन उससे कहता है तुम्हारे इस रास्ते में बहुत सी विभिन्न विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आएंगी जिसका तुम्हें सामना करना है। तो मन कहता है कि चाहे जेठ की भीषण गर्मी हो या पूस में शीतल ओस पड़े, चाहे कांटों से भरा पथ हो या कितने भी व्यवधान पड़े, दुनिया के इन मोह जालों का तुम शब्द वेदी से काट करो। अमृत पान करना है तुमको तो सागर मंथन सी मेहनत दिन रात करो। अमृत पान करना है तुमको तो सागर मंथन सी मेहनत दिन रात करो। अंग अंग समर्पण करके मन को तर्पण कर लो तुम इस यज्ञ को सफल बनाने में। फूलों का विस्मरण कर दो, अंगारों को स्मरण कर लो तुम इस स्वप्न का महल सजाने में। पिता के हर संघर्ष के लिए भाग्य से भी लड़ जाना है, पिता के हर संघर्ष के लिए भाग्य से भी लड़ जाना है, बन आईएएस घर अब जाना है, बन आईएएस घर अब जाना है। उसका मन उससे कहता है कि यहाँ इस परीक्षा में हर साल लाखों लोग आते हैं और वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। अगर तुम्हें कामयाब होना है तो अपने लक्ष्य के लिए बहुत ही ज्यादा जागरूक रहना होगा। तो उसका मन कहता है यहां बहती रहती लाखों नदियां, हर नदी न गंगा माँ होती, यहां आती जाती हैं बरसातें, हर बूंद न बना करती मोती। नदी को गंगा सा बनना है तो निर्मल अबरल यूं ही सतत बहना होगा, और बूंद को मोती बनना है तो उचित समय पर उचित जगह गिरना होगा। हाँ माना इस कठिन परीक्षा के बस चंद महीने बाकी हैं, हाँ माना इस कठिन परीक्षा के बस चंद महीने बाकी हैं। हर क्षण को युग में बदलूंगा यह सौगंध मुझे अब माकी है, हर क्षण को युग में बदलूंगा यह सौगंध मुझे अब माकी है। अपने लक्ष्य पे अड़िग रहकर ध्रुव तारा सा चमक रे जाना है, बन आईएएस घर अब जाना है, बन आईएएस घर अब जाना है, जो दिया वचन है पिता को तुमने कि बन आईएएस घर अब जाना है। ये कविता आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक जरूर करें, इससे आगे कविता लिखने का उत्साह बढ़ता है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जो भी विद्यार्थी आईएएस की परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए ये कविता समर्पित है, और बाकी लोग भी इसको देख सकते हैं। और आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं, और इसी के साथ ही राम राम।